हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको मेडाइवल हिस्ट्री के वीडियो चाहिए, तो मेडाइवल हिस्ट्री को अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपसे बीए फर्स्ट ईयर के मेडाइवल हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर वन तक ऑलरेडी हमने वीडियोज बना दिया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल में विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड के ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में, कि अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेकंड यूनिट से क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। एंड वीडियोज अच्छी लग रही हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय राजधानी दिल्ली से आगरा हुआ था, यानी कि कौन सा सुल्तान था जिसके टाइम पीरियड में जो राजधानी थी वो दिल्ली से आगरा हुआ था, तो वो टाइम पीरियड था सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि राजधानी जो था वो दिल्ली से कहां पर हो गया था, आगरा हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राज्य का जो अंतिम शासक कौन थे। तो सल्तनत युग जो था उसमें दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी जो वंश था वो था लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लोदी वंश था इसका संस्थापक कौन था, मतलब लोदी वंश की शुरुआत कैसे हुई थी, संस्थापना किसने किया था। तो बहलोल लोदी था इसका संस्थापक लोदी वंश का। कौन? बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लोदी शासक जो था वो हिंदू माँ का बेटा था। वो कौन सा लोदी शासक था जो क्या था, हिंदू माँ का बेटा था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर वन जो ये बहलोल लोदी था ना, यही हिंदू माँ का बेटा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा शहर सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित किया गया था, कौन सा ऐसा सिटी था जो सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आगरा। और इसी को इसने जो है अपनी राजधानी भी बनाया हुआ था सिकंदर लोदी ने दिल्ली से हटा करके। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिक्स नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली, क्योंकि क्यों उसने डाला, क्योंकि इटावा, बयाना, ग्वालियर, धौलपुर आदि जागीरों पर जो है अधिक नियंत्रण वो चाहता था, इसलिए उसने आगरा शहर की क्या किया, नींव डाला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन कि लोदी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ शासक रहा वो रहा सिकंदर शाह लोदी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर शाह लोदी। अगला क्वेश्चन है आपके पास एट नंबर का क्वेश्चन कि बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था, बादलगढ़ का जो किला बनाया गया उसको भी किसने करवाया था, सिकंदर लोदी ने ही उसको भी निर्माण करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कौन, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है आपके पास नौवें नंबर क्वेश्चन कि 1526 में हुआ जो पानीपत का पहला युद्ध था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो 1526 का जो टाइम पीरियड था उस समय सुल्तान था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी से ही बाबर की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास टेंथ नंबर का क्वेश्चन, टेंथ नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया। तो कौन सा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोदी, बाबर से लड़ाई करते हुए ये युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया, वो कौन सा सुल्तान था, तो वो था बहलोल लोदी, जिसने जौनपुर को फिर से क्या किया, दिल्ली के साथ कनेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने खाद्यान्न पर से जो है जकात हटा दिया था। तो खाद्यान्न पर से जकात हटाने वाला था सिकंदर लोदी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिकंदर जो है लोदी जो सुल्तान था वो कौन से नस्ल के थे। तो लोदी जो सुल्तान थे ये अफगान नस्ल के थे, ये अफगान से आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी का वजीर कौन था। तो सिकंदर लोदी का जो वजीर था वो था मियाँ भुआ। कौन था, मियाँ भुआ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके समय में अमीरों का प्रभुत्व चरम सीमा पर था, कौन सा ऐसा वंश रहा जिसके टाइम पीरियड पर अमीरों का जो प्रभुत्व रहा वो काफी हाई लेवल पर था, चरम पर था, तो वो था लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है। जो आपके सामने ये चार ऑप्शंस दिया गया है इनमें से कौन सा कारण आपको दिख रहा है, और इन ऑप्शंस को एक सीरीज में बना करके आपको जो टिक करना है वो ऑप्शंस यहां पर है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें 1 2 3 तीनों ही रीजन थे दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था और कौन सा सुल्तान गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो था सिकंदर लोदी, जो गुलरुखी, उसने अपना मतलब जो कविता वाला नाम था उसको गुलरुखी कर दिया था कि गुलरुखी लिख रहा है कविताएं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन रहा, तो वो भी कौन ही था, सिकंदर लोदी ही सबसे शक्तिशाली सबसे जो है प्रतिपूर्ण जो अपने पास कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो भी कह लें, मतलब सिकंदर लोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस पूरे सीरीज में। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया, तो सिकंदरी का प्रचलन कौन करना था, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि लोदी वंश का संस्थापक, तो ये पहले बता दिया है आपको बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वो दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे, यह संदर्भ किसका है, तो यह संदर्भ है बहलोल लोदी का। अगला क्वेश्चन है आपके पास लोदी वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी और यहीं से लोदी वंश की खत्म होती है और दिल्ली सल्तनत भी खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो जो इनाम था वो जो भूमि था वो दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था, तो सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम खां, निजाम खां इसके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया हुआ था। तो ये था हमारा सेकंड यूनिट, अब इसके बाद हमको बात करना है थर्ड यूनिट का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके, एंड आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन हिट किया है, तो मेक श्योर कि आपने बेल आइकन जरूर हिट कर रखा है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट के रूप में सारी चीज़ें एक साथ शेड्यूल हो रही हैं, एक साथ मतलब पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं जो है स्थापित किया जा रहा है, अच्छे तरीके से सीरीज बनाया जा रहा है, तो आप जाकर के उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।